नमस्कार दोस्तों, पेश पांसल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूँ। खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला से आ रही है। यहाँ पर डीएवी स्कूल द्वारा ओवरलोड बसें चलाई जा रही है, छात्र छात्राओं को ठूस ठूस कर बसों में भरा जा रहा है, जिससे यहाँ पर हादसा होने का खतरा बना हुआ है। पहले भी यहाँ पर हादसा हो चुका है जिसमें एक बच्चे की जान चली गई थी। पुलिस द्वारा आज इस ओवरलोड बस को पकड़ा गया, लेकिन मात्र चलान काट कर उनके द्वारा इतिश्री कर ली गई बस को न तो इम्पोर्ट किया गया और न ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। हमारे संवाददाता गगन ललगोत्रा की यह रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। जिला कांगड़ा में आए दिन स्कूल बसों में हादसे हो रहे हैं, मगर हादसों के बाद ही प्रशासन एक दो दिन चलान काटकर इसकी खानापूर्ति कर देता है। पास लगती विधानसभा नूरपुर में हादसा हुआ तो विभाग फिर से जागा और धड़ाधड़ बसों के चलान काटने शुरू कर दिए। फिर से विभाग सो गया। अब रहन हादसे में यह जख्म फिर से हरे कर दिया, मगर हैरानी वाली बात यह कि बुधवार सुबह डीएवी स्कूल रहन की बस में हादसा हुआ। इसी स्कूल की बच्ची की मौत हो गई, मगर आनन फानन में विभाग कार्रवाई करने भी पहुंच गया, मगर उसके बाद भी जो डीएवी स्कूल रहन की बसें आती रही उन वह ओवरलोड देखने को मिली। उसी सड़क पर पुलिस हादसे की जांच कर रही तो वहां इसी स्कूल की बस गुजरी, जिसे मीडिया ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हुए चेक किया तो पुलिस प्रशासन को जगाया। देखा कि इस स्कूल की बस जो कि 32 सीटर थी उसमें जानवरों की तरह 43 बच्चे ठूस कर भरे हुए थे। बस की नंबर प्लेट गायब थी, यहां तक कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट तक नहीं पहनी हुई थी। वहां हादसे की छानबीन करने आई पुलिस ने मीडिया के सामने खानापूर्ति करते हुए मात्र 2000 रुपये का चलान काटकर अपनी इतिश्री कर ली, मगर चर्चा का विषय यह था कि चलान काटकर ओवरलोडिंग बस की दुर्घटना होने का डर कैसे खत्म किया जा सकता है, दुर्घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है। जब स्कूल के प्रिंसिपल रश्मि जम्बाल से बात की गई तो उन्होंने पहले तो ओवरलोडिंग न होने की बात कही, मगर जब ओवरलोडिंग बस का वीडियो दिखाया गया तो प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि उन्होंने अपने बस स्टाफ को हिदायत दे रखी है कि कोई भी ओवरलोडिंग न करे, इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा अपना बयान दिया जा रहा है। आरबीएल मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। इसकी सहायता लेके हमारे जो SHO साहब हैं, पहले त्रिवेदी साहब थे, उन लोगों को बुला के हम ड्राइवर कंडक्टर्स की एक प्रॉपर मीटिंग करते हैं और जिसकी हम प्रोसीडिंग भी बनाते हैं और उनको लिखित रूप में हम हिदायतें देते हैं कि बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है, बच्चों को बड़े आराम से बस से उतारना है, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करना है और किसी से भी कोई अश्लील बात नहीं करनी है और कभी भी कोई भी नशा पत्ता नहीं करना है, गाड़ी चलाते वक्त कोई मोबाइल नहीं सुनना है। और आपने देखा है कि मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है कि हम समय समय पर अपने ड्राइवर कंडक्टर्स को काउंसल करते रहते हैं कि आपको बहुत बड़ी आपके सिर पे जिम्मेदारी है और आपने इसको बड़ी यथाशक्ति के साथ निभाना है। ऐसा है कि थोड़ा सा हो सकता है बच्चों को, पर ओवरलोडिंग का तो हमने पूरा ध्यान दिया है, ओवरलोडिंग तो नहीं थी, लेकिन उस बस की बजाय हमने दूसरी बस में बच्चे भेजे हैं तो थोड़ा सा बच्चों में लोगों में दहशत हो गई है, लेकिन ओवरलोडिंग तो हम कभी भी बस में नहीं करते। सुना आपने किस तरह से स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा ओवरलोडिंग की बात से साफ इनकार किया जा रहा है, जबकि बस में बच्चे ठूस ठूस कर भरे हुए थे। अब आपको सुनाते हैं ड्राइवर का बयान, ये देखिए किस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं आरबीआई मीडिया, आपका अपना चैनल। भाई साहब, कितने सीटर बस है ये? 32। कितने बच्चे हैं अभी इसमें? बच्चे ज्यादा हो गए। क्यों जी? नहीं तो फिर भी बच्चे ज्यादा, दोबारा बस भी दो बार ले जा सकते थे बस को। अभी कितने बच्चे हैं इसमें? उस बस में कंडक्टर है बस में? हाँ जी, 43 हुए हैं सर। ओवरलोडिंग के बीच में जो ट्रैफिक चेकिंग जो हम समय समय पर करते रहते हैं, और अगर ऐसा वाहन खासकर जो अगर स्कूल से संबंधित अगर भविष्य में ऐसे जो
कि उल्लंघना करता हुआ पाया जाता है या उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध जो है अनुसार